और उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर दी बधाई। मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बहादुर संकल्प शक्ति ने नया जीवन दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाइयां दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से, जहां पर पीएम मोदी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बधाइयां दी है। सभी रेस्क्यू टीमों के लिए पीएम मोदी ने बधाइयां दी है। टनल में फंसे 41 श्रमिकों के लिए पीएम मोदी ने कहा, आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद हमारे साथी प्रियजनों से मिल सकेंगे। रेस्क्यू में जुटे सभी लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, रेस्क्यू टीम की बहादुरी ने हमारे भाइयों को नया जीवन दिया है। और बता दें कि हर किसी को ये भावुक करने वाला पल है। पीएम मोदी ने लिखा है, साहस धैर्य हर किसी को प्रेरित करने वाला है। हर किसी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की है और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना। पीएम मोदी ने ये लिखा है सोशल मीडिया पर, मानवता और टीम वर्क की अद्भुत ये मिसाल पेश की है। एनडीआरएफ की टीम ने, रेस्क्यू टीम ने बहादुर संकल्प शक्ति ने नया जीवन दिया है सभी 41 मजदूरों को। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से, जहां पर पीएम मोदी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बधाइयां दी है। रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम को टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है।